दरभंगा में कड़ाके की ठंड में जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वार्ड 20 के पार्षद के बेटे डॉक्टर जमाल हसन द्वारा वार्ड का विकास कराने में जुट गए हैं। 15 साल से बंद पड़े नाले का सफाई होता दिख रहा है। वहीं डॉक्टर जमाल हसन ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा, मुझे जनता ने चुना है वार्ड का विकास करने के लिए, यदि वार्ड का विकास नहीं हुआ तो आगे से हमें जनता क्यों चुनेगी। जनता जानती है कौन वार्ड का विकास कर सकता है, जिस वजह से इस बार हमारे परिवार के लोगों को चुना, यहाँ तक कि हमारी माँ ने शपथ तक नहीं लिया है और वार्ड का विकास हो रहा है, इससे लोगों को समझ आ जाना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, वह भी सुनिए। देखिए, जनता ने 31 साल के बाद मुझे मौका दिया है और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि इस वार्ड में समस्याओं से भरी ये वार्ड है, जबकि नगर निगम हमारे सामने और गोदाम हमारे यहाँ है, लेकिन नालों की हालत आज आपने देखा होगा कि सुबह मैंने बुलडोजर खुद से मैं टनल के पास साफ करवाया, फिर वहाँ से मोहल्ले में लाया। तो देखिए, आराम करने के लिए जनता ने मुझे नहीं चुना, जनता की सेवा करने के लिए मुझे चुना गया। तो अगर मैं जनता को वही चीज़, अगर मैं पुराने पार्षद की तरह अगर मैं आराम करूँ और काम ना दूँ तो शायद जनता मुझे अगले 5 साल के बाद मुझे ही बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो बस मुझे जनता की सेवा करने के लिए चुना और इसलिए मैं सेवा में लगा हूँ। ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगा, उसकी वजह से मैं घर पर आराम करूँ। ये बाकी पार्षद आराम कर सकते हैं, मैं आराम करने के लिए नहीं आया। देखिए, ऐसे आप तो यहाँ हैं, पीछे भी नाला है जो 15-20 सालों से खुला ही नहीं था नाला, जो आज के डेट में लोग आराम से पार कर सकते हैं। तो ऐसे तो पूरे वाड़े में कई नाले, मतलब जितने भी मुख्य नाले, देखिए दरभंगा शहर में ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है, पानी या निकासी नहीं हो पाती है। तो मैं तो पूरे शहर का नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं अपने वार्ड 20 की जनता को कम से कम आराम देने का, कि वो आराम से अपने घर से निकले, आराम से, क्योंकि इस रोड से मैं भी गुजरता हूँ पहले, इस वार्ड का तो मैं भी नागरिक हूँ ना, पार्षद अपनी जगह पर, लेकिन इस वार्ड के में मैं भी रोड पर निकलता हूँ और लोगों को देखता हूँ, पानी के बीच में मैं भी चल रहा हूँ, वो भी चल रहा हूँ। तो ड्रेनेज सिस्टम बेटर करने की ज़रूरत है और नए महापौर उप महापौर आए हैं, सिस्टम बदलना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम जितना बेहतर होगा शहर उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और मेरी तो एक कोशिश एक पहल है, लगे हुए हैं जनता की सेवा में। पुराने वार्ड पार्षद साहब सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए थे इस वार्ड में, उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी किया, खुलेआम ठेकेदारी किया। उन्हें बस नाला बनाने से मतलब था, नाले पर स्लैब डलवाने से मतलब था, उसके अंदर कितनी गंदगी उससे कोई मतलब नहीं था। और मुझे ठेकेदारी से नहीं मतलब है, मुझे उसके अंदर की गंदगी साफ कराने से मतलब है। और इस वार्ड को मैंने पहले भी कहा कि एक साल में मुझे आदर्श वार्ड में से नंबर 1 पर लाना है, वार्ड नंबर 20 को, तो मैं उस कोशिश में लगा हूँ। बस आप सभी लोगों का साथ और दुआ, हमारे जितने भी वार्ड 20 की जनता है उनका दुआ और उनका साथ चाहिए। निश्चय ही ये वार्ड पूरे 48 वार्ड में नंबर 1 साल के अंदर में नंबर 1 पर जाए।